नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बताते चले कि शरबत करीम अंसारी और मोहन गांववासी को श्रद्धांजलि दी गई है। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को हंगामे के आसार है और सरकार सदन में मंगलवार को यूसीसी के विधेयक को रखेगी। विपक्ष ने बनाई राज्य सरकार को घेरने की रणनीति, जहां यूसीसी, सख्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा सदन में उठेगा। उद्यान घोटाले, वन भूमि से पेड़ कटान का मुद्दा भी सदन में उठेगा और कानून व्यवस्था के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हो सकता है। महंगाई के मुद्दे पर राज्य सरकार को विपक्ष अब घेर सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की ओर से तैयारियां की गई है सरकार को घेरने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई है। जी हां, शरबत करीम अंसारी और मोहन गांववासी को श्रद्धांजलि दी गई है और साथ ही साथ सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं और सरकार सदन में मंगलवार को यूसीसी के ड्राफ्ट को भी रखेगी। जी हां, कल 6 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को सदन में पेश किया जाएगा और विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने की रणनीति भी बना रखी है। जी हां, आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरने की रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। यूसीसी, सख्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा सदन में उठता हुआ कल नजर आएगा और साथ ही साथ उद्यान घोटाले, वन भूमि से पेड़ कटान का भी मुद्दा सदन में उठेगा और कानून व्यवस्था के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा कल सदन में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और शरबत करीम अंसारी और मोहन गांववासी को श्रद्धांजलि सदन में आज दी गई है।